क्या चल रही थी दुश्मनी, क्यों कर रही थी तू ऐसा? इसके हस्बैंड का घर चल रहा था। वो ऐसे स्वास्थ्य बदमाशा कर रही थी। शादी हुई थी तेरी उसके मर्द की? मतलब शादी करके आप फिर चला रही थी बगैर शादी के? था नहीं, मेरा तो हस्बैंड गुजर गया। मेरा हस्बैंड गुजर गया, मेरे को एक लड़की है। लेकिन इसके साथ अफेयर कर इसे शादी करना चाह रही थी। अच्छा, इसके मर्द के साथ में? हाँ। और तो इसके मर्द तो अभी ये औरत नहीं मानती ना। अब से नहीं कर रही। क्या क्या कर रही थी जादू टोने? सब कुछ करी, लगाई में सता। क्या ली थी बच्ची का? क्या ली थी? इसने क्या बिगाड़ी तेरा ऐसा? कुछ नहीं बिगाड़ी, लेकिन दरवाजा खुला रखो। शादी करके उसे प्रॉपर्टी हासिल करना चाह रही थी। अच्छा, मारने आली थी उसके मर्द को, उसके उसकी बच्ची को, उनका क्या नाम है, नसीम, नसीम को मारने आली थी? मारी मैं इनको, जान से खत्म करने आई थी? मैं नहीं करने वाली थी, नहीं करने वाली थी, लेकिन प्रॉपर्टी हासिल करने के वास्ते करी थी। तबाही बर्बादी लगा दी थी सब बच्चों को करी उसके जादू टोने, बच्चों को, बच्चों को, उसके बेटियों को, बेटों को। हस्बैंड को? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर को भी करी? अच्छा, तो उसको खिलाई? रुको रुको, क्या है तुम्हारा? कहीं में खिलाई? खड़े रख के एक पता मत करो, इसमें ना खड़े रख के मिला खिलाई। कहीं का खाना था वो? कब खिलाई? कितना टाइम और खिला के? और उसके बाद और खिलाई थी? और किया वो भी कुछ मालूम होगा, या बस हस्बैंड से किरकिरी कर रही थी, उसका करना अच्छा नहीं है, अपने बच्चे छोटे हैं, तो वो जरा वैसे नफरत कर रहा था, क्योंकि प्रॉपर्टी चाहिए थी ना। अच्छा, तो तू प्रॉपर्टी लेने के बाद सबके मुद्दा था बन के डाली थी, सबको मार देने वाली थी एक से? सब मालूम रहता मुझे, सही से बोलना तो जबान खींचने लगा दूंगा अभी बाहर। जादू टोना कहाँ से चला रही थी? शमशान से, कब्रस्तान से? शमशान से। अच्छा, मरद का क्या लेके गई थी उसके? मोहम्मद अख्तर का क्या लेके गई थी? वो तो ड्यूटी को आता था मेरे पास, मैं भी ड्यूटी कर दी, मेरे हस्बैंड को जॉब थी, वो गुजर गया, उसकी जॉब मैं कर रही, वो भी जॉब करता, मेरे को गवर्नमेंट है, उसको नहीं है, मैं इस काम करता था, एक ही जगह बैठते थे उठते थे, अब बीवी को मालूम हुआ घर में हस्बैंड का, तो वो उधर बीवी से झगड़ा करने लगा, कि मेरे को इधर सुना रहा था, तो मैं इसकी तबीयत खराब कर दूँ तो इसको हासिल कर सकती इसकी प्रॉपर्टी। क्या हासिल करने का था? कुछ जमीन ज्यादा था उसके, क्या घर बार घर जमीन है उसके पास, तो तुझे होना था वो, बोल के जादू टोने कर रही तो बात हो। और कुछ नहीं करी इसके वास्ते, करियर कर, अब नहीं करूँगी। कपड़े उठा ले गई? किस किस कपड़े ले गई? कपड़े इस और पे। मेरा क्या नाम है? नसीम बेगम का क्या लिख गई? पढ़ने के कपड़े ले गई। कौन से वाले? साड़ी थी फेरोज की। अच्छा, कितना टाइम हो रहा ले जाके? फोटो भी लेके गई? मेरी उसकी बड़ी लड़की की शादी हुई थी, हाँ। तो शादी में ये जो आदमी है ना, हाँ। तो शादी में लेके गया था, हाँ। तो जब उसकी बीवी वहाँ शादी में तो फंक्शन में फिरती चलती ना, हाँ। जब उसकी तस्वीर निकाली थी। अच्छा, नसीम बेगम को कभी मिला खिलाई? इनको नहीं खिले के लिए। फिर कैसा डायरेक्ट जादू चलाई? बाल वाल ले गई थी सर के? नहीं ले गई मैं। हरी कपड़ा कितने साल पहले ले गई थी? दो साल डेढ़ साल। क्या करी वो शमशान जादूगर को दी? और क्या पूछाना है? पूछाना क्या है, घर से हकाल दी हमारे, हाँ, इनके घर पे कब्जा डाल रही थी, उनको हकाल के निकाल दी वहाँ से।
निकल गए तो ना परेशान फिर तो कुछ डर के चौरा तू जाने दो बल्कि छोड़ देती बल्कि घर से निकाल दी खतरे भी आए कल भी आए खतरे खतरे कौन मार रहा उनके घरों पे वो शैतान हाँ जिन्ना था क्या लोग कौन मार रहे वो तुझे खतरे मारने की भी ड्यूटियाँ लगी लोगों को शैतानों को जोर से इनके नाम को नहीं आऊंगी इनके जिक्र को नहीं आऊंगी और उन्होंने भी मेरे को मेरे जिक्र को नहीं आना और मेरी फिक्र मैं नहीं आती अब से नहीं अब तुझे क्या करना सोच रहा मैं तेरे हाथ काटने लगूं क्या मैं नहीं आती बोल रहा एक्सीडेंट करने लगूं क्या उन भी बोली एक्सीडेंट करा दी बोली हमारे हाँ उनके एक्सीडेंट करा दी बोली परसों आके क्या बोली तेरे को जोर नहीं रहना बच्चे को मार नहीं रहना बोली बच्चे को मार देने वाले थे झगड़ा घर के पास झगड़ा कौन लगा रहे थे मेरी वजह से छोटे नाम झगड़े जो भी बोले तभी मालूम होता है जो भी करी सो मई से पत्ते खल्ले हो गए तो जीने नहीं देती बोली कहाँ भी नहीं जाना था घर में से भाका दी और घर पर आ सकते घर में क्या करी पूछो क्या करी थी घर में कुछ लाग डाली जादू टोने की चीज़ घर में कुछ नहीं डाली सही बोल नहीं डाली घर में कुछ नहीं डाली डाली बोली डाली घुमा रखे हम हाँ डाली ला के कुछ गाड़ी की भाई कभी बोली क्या गाड़ी सही सही बोल नहीं नहीं कुछ नहीं गाड़ी मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए था तो आदमी को पहले पागल बने आदमी मान ले रहा था मेरे तरफ होगा था अब बीवी बच्चों पे रोक नहीं था आदमी का बीवी बच्चों पे रोक नहीं था ख्याल नहीं था मेरे तरफ होने का नहीं था ना तो मगर बीवी नहीं सुन रही थी सही सही बोला और क्या क्या करी उसके घर में और घर में मेरे से तो कोई बात नहीं छुपती मैं सब देख लूंगा मगर उससे पहले तेरी जबान ही पूछूंगा और जरे भी बात आप गलत बोली तो पूरी जबान खींचने लगा दूंगा नहीं बुरा मैं खुद करने लगी सता लिया और अब से नहीं करूंगी अगर उठा दोनों हाथा ऊपर नहीं नहीं काट दूंगा दोनों हाथा जादूगरों की शैतान लगा के डाल रहे कौन सी लगा दी पूरे घर को तूने सिल गई थी पूरा जला के रखा अरे अरे कमी नहीं पैसे बैठा लेगी पैसे भी लेती घर में के बहुत ही मन माना चल रहे तुम बुशर्टा उठा लेंगे पैंटा उठा लेंगे अलमारी खोल के हम कल ताले ताले का तो चले गए तो हम दरवाजे खोल लेना अंदर घुस जाना अरे काट दू तेरे दोनों हाथा नहीं अब से नहीं कर रही अब से कुछ भी नहीं कैसा यकीन मानू मैं तेरा तू नहीं कर रही तुम बोल रही हम फिर कर रही डबल से तुम आप है ना फिर डबल से मेरे पास है नहीं नहीं पूरा चलाने की कार्रवाई कराओ इसकी तैयारी कराओ और इसके आसपास में इनके घर की जो भी शैतान दिखा उसको पकड़ लो ना लाए को कैद कराओ और कैद करा के मेरे सामने लाओ और उस सारी तंत्र मंत्र क्रिया को जला के राख करने की तैयारी कराओ तेज एक साथ में उतार एक साथ में सारे दवाया बाहर निकाल के फेंका वो सब हाथ पे हाथ पे क्या चल रहा है सब का रास्ता पूरा मार के सब पूछता भाई करने के चक्कर में पड़े जाए सब चीज मार ले जाके कब्जा करने के वास्ते प्रॉब्लम बोल रहे ना नालायक जादू करने वाले भी कराने वाला भी सभी मरने वाले कब्र में क्या ले जाने वाले ये जामाल आने वाले तुम्हारे
अच्छा करेंगे तो अच्छा रहेगा खबर में, बुरा करेंगे तो फिर आज आप खबर को तुम्हारे जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया जाएगा, जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वहाँ की खिड़कियाँ वहाँ से तुम्हारे जहन्नुम की लपटेंगी खबर में, तुम्हारे सुकून से नहीं सो सकेंगे, जहन्नुम का लिबास पहना दिया जाएगा ऐसे हरकत करेंगे तो। और मरना तो सब कुछ है, खुल्लुन नफ्सुल ज़ायखतुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा, बाकी सब यहाँ तक कि सारी दुनिया को सुर अल्लाह हुकुम दे देगा, सुर फूंक दो और सब खत्म कर दो, सब खत्म कर देने के बाद कयामत के बाद कौन बचेंगे, फरिश्ते, तो अल्लाह फरिश्तों को देगा, सारे फरिश्तों की रूह खींच दे, मौत का फरिश्ता सबकी रूह खींच देगा, बाद में एक फरिश्ता बनेगा उसकी भी रूह अल्लाह खींच लेगा, जब मौत के फरिश्ते की रूह खींचेगा तो मौत का फरिश्ता बोलेगा हाय हाय मेरे अल्लाह मुझे अगर मालूम होता रूह निकालने में इतनी तकलीफ होती तो मेरी ड्यूटी नहीं लेता था। जबकि इतना ताकतवर फरिश्ते जिब्राइल मैकाइल इजराइल इसराफिल चारों कि सबसे छोटे पर में दुनिया समा सकते तो उनके बड़े पर का आलम क्या होगा, तो इतना ताकतवर फरिश्ता बोलेगा मैं ड्यूटी नहीं लेता था, तुम्हारी क्या मिसाल है फिर उनके सामने। और नेक इंसान की रूह ऐसी निकालते जैसे आटे में से बाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहगार की ऐसी रूह निकलती जैसे कांटों का पूरा वो डाले वाला कांटे और कांटों के ऊपर हम मखमल का शत रेशम का दाल के साथ खींच देंगे, कहता फटेगा उस अंदाज में रूह तुम्हारी गुनहगारों की निकाल दीजिएंगे। सुधरो, सुधरने का मुझे बहुत गलत बातें हैं ये सब, क्या है बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे सब दास्ताना देख के सुन के, मगर एक बात ये बोलूंगा कि मरना तो सब कुछ है, बर्फ है वहाँ जाके क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने, ऐसा बोलेंगे कि हमने जादू टोने कर दिए, जमीन जायदाद लेने के वास्ते कर दिए, कि दुनिया तुम लोग दुनिया खरीद के क्या कमा रहे, आखिरत कमा रहे, आखिरत खरीदो दुनिया को कमाओ, दुनिया मत कमाओ बोले अल्लाह कमाओ, बहुत सारी बातें क्या बोलूँगी इबादत की रस्सी मजबूत सामना, बहुत गलत बेबुनियाद दास्तान है ये, फिर बोलने को अल्फाज भी नहीं मिल रहे, तो अल्लाह माफ करें क्या बोलना, ऐसे हरकतें करेंगे तो खबर में भरना है दुनिया में भरना है सब तरफ भरना पड़ता है। जय मेरे को और इससे ज्यादा तो नहीं बोलूँगा, खैर हम अगर कहाँ से आए थे, चलो ठीक है खैर जैसे हम अल्लाह बता रहा हूँ करो बैठता घर कुरान वो पढ़ते जाओ, कुरान नहीं पढ़ा रहे क्या घर में, नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते हम नमाज पढ़ते हैं, तुम लोग क्या पढ़ रहे, एक पारा पढ़ो नहीं हो सकता तो आधा पढ़ो, आधा नहीं हो सकता तो एक रुकू पढ़ो, एक रुकू भी नहीं आती जो आता वो पढ़ो, पढ़ेंगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों भी सवार है, देखिए नहीं पढ़ेंगे तो किसका क्या देगा, बहुत सारे बातें कि हम लोग जादूगरों के पास नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, शिर्क के झंडे लेके नाचने वालों जादूगरों के पास जाना शिर्क होता, दरगाह पे जाना शिर्क नहीं है, अल्लाह वालों के पास जाना शिर्क नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद जमीन पे आके तुम्हारा इलाज नहीं करता, अल्लाह चुनिंदा बंदों के जरिए इलाज कराता, उसके शान के खिलाफ है जमीन पे आना, अगर उसके खाली उसका नूर तो देखने से पहले जमीन जल के राख हो जाएगी, जमीन के औकात है नहीं है, और जमीन वालों पे जमीन पे रहने वालों की भी औकात नहीं अल्लाह के नूर को बर्दाश्त करने की, खाली अल्लाह का नूर अल्लाह का सराफा नूर ने बर्दाश्त करता होते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी उनके अलावा कोई ऐसी सातों जमीन सातों आसमान में कोई चीज ना कोई शय है जो अल्लाह के नूर को बर्दाश्त कर सकेंगे आमने सामने, तो वो तो आमने सामने देखने से पहले किसी खतर नूर का हिस्सा निकलने से पहले कोई तूर का आलम क्या हुआ, खाली पर्दे हट चुके थे कोई तूर का पहाड़ जल के राख हुआ था, तो ये जादूगरों के पास जाना शिर्क है, क्योंकि तुम अल्लाह के साथ में उसको शरीक कर दे रहे, तुम्हारा ईमान हट जा रहा कुरान पे से, काले जादू से कटता गलत बात है, एक बार भी नहीं कटता काला जादू, एक बार भी काले जादू से नहीं कटता, इतनी बात याद रखना सिर्फ अल्लाह के कलाम से कटता, क्योंकि तुमको इससे पहले भी हर वीडियो में बता ला मई शैतान के हाथ में जहमत देना है, रहमत देना नहीं, रहमत अल्लाह के पास है, रहमत देने वाली जात अल्लाह की और जहमत तकलीफ देने वाली जात शैतान की, फिर शैतान मरहम कहाँ से लगेगा, जख्म तो देगा जख्म को और बढ़ाते जाएगा मगर मरहम नहीं लगा सकता, मरहम और उसको भरने वाली जात अल्लाह की है, तो इसलिए अल्लाह के कलाम में होता पता है सब ऐसी हरकतें नहीं करना, दुनिया में भरेंगे आखिरत में भरेंगे, तुम्हारे बच्चों के भी सामने आता तुम्हारे भी सामने आता, दूसरों का घर गर्म पानी जला तुम्हारा भी जलता, ऐसा गलत है बहुत गलत बातें हैं, क्या बोलूँ इस आदमी को अल्फाज नहीं मेरे तुम्हारे कारस्तान या देख देख के बोलने के लिए, ठीक है चलो कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, कब से हो रहे थे, ये डेढ़ साल से कर रहे थे, हम नीचे आना पतरे आना अंगा लगा दिए तो घर खाली करके खानापुर गए तो खानापुर में क्या करना चिट्ठियाँ लगे दाने चिट्ठियाँ लगे दाने तो चिट्ठियाँ लाने तो निकलती नहीं यहाँ से निकल गए तो वहाँ से जादू करके बोल के चुर्कियाँ लगाना किले मारना तब निकलो यहाँ से लॉकडाउन में अल्लाह ने बोल के कोई भी नहीं आए तो 500 किराया लेंगे और तो घर के दूसरे तरफ चले गए, अब घर को आ सकते नहीं आते कुछ
खैर अल्लाह करम से करेंगे मुझे इसको पेट खराब क्या खरीदेगी जिस तरीके खरीदे उस तरीके से काट के जलाना पड़ता सब चीज के अलग अलग तरीके खरीदे शैतान अलग अलग काम जिन्नात अलग है चुड़ैल अलग है कबीज अलग है मुंजे अलग है फिर उसमें बदरूहें अलग बहुत अलग अलग दास्तान है जैसे जितना डेफिनेशन में उतनी गहरी दुनिया है हर चीज़ अल्लाह ने इल्म समंदर रखा था उसे भी कोई चलो ठीक है।